हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना, कहा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कश्मीर में हुई, पाक में नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसकर मारने वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वह कश्मीर में हुई, ना कि पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संप्रदायवाद ने भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाया है। पवार ने कहा कि किसी एक समुदाय का दूसरे समुदाय के खिलाफ हो जाना देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा यह हमला पाकिस्तान में नहीं हुआ था बल्कि कश्मीर में हुआ था और कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। शरद पवार अपने कार्यालय से फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रख रहे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हम अंतर्वादियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। पीएम मोदी का यह बयान भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के शिविर पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद आई थी। भारत ने यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के बाद की थी। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।